जी आज हैं हम सेंट्रल लंदन में ऑक्सफोर्ड सर्कस के पास टू विज़िट हैमलेज। हैमलेज जो है इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आपको ये रेड कलर की एक आउटलेट सी नज़र आ रही है। कुछ वो गाते नाचते करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं शॉप के बाहर। सो बेसिकली हैमलेज जो है ये लंदन की बल्कि दुनिया में ही ये पॉपुलर है। इसको टॉयज़ हेवन कहा जाता है। बच्चों के जो खिलौने होते हैं टॉयज़, उसकी इस कदर वैरायटी है, इस कदर वैरायटी है, इस कदर वैरायटी है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस कदर वैरायटी है। इंतहाई खूबसूरत ये शॉप है। इसको एक्सप्लोर करते हैं और बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। कैट देखिए, ऐसा लगता है जैसे सच में पर्शियन कैट बैठी हुई है। ज़रा कलरफुल सी है। Okay, let's go upstairs. ऊपर जाके भी देखते हैं कि क्या वैरायटी है। जी अभी हम इस शॉप की दूसरी मंजिल पे आए हैं इस एलिवेटर से, और अभी एक थर्ड स्टोरी भी है। लोग ऊपर जा रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें तो फिर ऊपर जाके भी देखते हैं। जी उस तरफ मुझे एक बड़ा प्यारा सा सीन नज़र आया है। वाह, ये देखिए एक कैसल बनाया गया है, स्पेशल एक किला टाइप। डिज्नीलैंड की मूवी जो आपने देखी होगी फ्रोज़न, उसके अंदर जो एक कैसल था उसका एक रेप्लिका सा बनाया गया है, विच इज़ सुपर ब्यूटीफुल। देखने में कमाल है। अगर इसके आप अंदर जाएं तो जो एक ट्री बनाया गया है ये देखिए, वाव, लुक्स सो ब्यूटीफुल। और अगर मैं आपको वो फ्रोज़न वाली स्पेशल डॉल दिखाऊं, फ्रोज़न का करैक्टर, तो ये जो साहिबा थी उस फ्रोज़न मूवी में आपको चलती फिरती नज़र आएंगी। उस फ्रोज़न मूवी के डिफरेंट जो करैक्टर्स हैं उनको टॉयज़ की और डॉल्स की शक्ल में यहाँ रखा गया है। ये वो एक पूरा कैसल है फ्रोज़न का, स्नो के अंदर। इट्स ब्यूटीफुल। इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इतना ये वसी है और वैरायटी इस कदर है कि यकीन नहीं आता कि बच्चों के जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उनको इस कदर सीरियसली लिया गया है और इस कदर इन्वेस्टमेंट करके इतना शानदार सेटअप लगाया गया है कि एक दफ़ा आप दंग रह जाते हैं। ये मैं इस वक्त थर्ड फ्लोर पे हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि लोग स्टेयर्स पे आ रहे हैं और इसकी एक चौथा फ्लोर भी है, उसके ऊपर भी अभी हम जाएंगे। जी अभी हम इसके फोर्थ यानी कि चौथे फ्लोर की तरफ रवां दवां हैं। एक और शानदार कलरफुल सेटअप, ग्रेट जी। बच्चे तो हैं ही लेकिन देखिए इस उम्र के अफराद भी जो अपने 40s 50s में हैं वो भी शायद बचपन की याद ताज़ा करने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ओह लुक एट दैट, कंग फू पांडा, दैट्स सुपर क्यूट इज़न्ट इट। हैमलेस को टॉयज़ की जन्नत यानी कि हेवन कहा जाता है, तो जब आप चीज़ों की कीमत देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे जन्नत हासिल करना मुश्किल है, यहाँ छोटे से छोटा टॉय ख़रीदें तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि एक छोटे से टॉय की कीमत भी इतनी है कि पाकिस्तान में शायद आप टॉयज़ की एक रेडी या ठेला लगा सकते हैं उस कीमत से। जी ये देखिए ये सेल्समैन लड़की है, यहाँ सेल्समैन को भी स्पेशल शूज़ दिए गए हैं कि वो इस तरह भागते फिरते हैं पूरी शॉप में। सारे एनवायरनमेंट को एक खेल कूद की तरह बनाया गया है। अभी तो इसके और ऊपर कुछ और फ्लोर्स भी जा रहे थे, मैंने स्टेयर्स देखी, लोग ऊपर जा रहे थे, लेकिन आई हैड एनफ, काफ़ी हो गया, मैंने सोचा टॉयज़ पे इतना टाइम नहीं लगा सकता मैं, सो लेट्स गो आउट।